नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको ज्वेलरी शोरूम के बारे में अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आपका अपना ज्वेलरी शोरूम पहले से बना हुआ है और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो भी आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आपका अपना ज्वेलरी शोरूम नॉर्थ फेसिंग है, या नॉर्थ फेसिंग आपने कोई जगह परचेज की है या किराए पर ली है और उसके अंदर ज्वेलरी शोरूम का सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए, आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जो जगह आप परचेज करने जा रहे हैं या किराए पर लेने जा रहे हैं, आप ऐसी जगह बैठकर अपना शोरूम चला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो आपका अपना फ्रंट का भाग है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो आपका अपना फ्रंट का भाग है, क्योंकि ज्वेलरी का शोरूम है तो बाहर के हिस्से को भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोर किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपका शोरूम नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें फ्रंट के भाग में रेड कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यानी कि आप अपने फ्रंट के भाग में स्टेप्स बनाते हैं तो उनके ऊपर लाल रंग का पत्थर यानी रेड कलर का स्टोन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, रेड कलर का डोरमैट भी नहीं लगाना है। आपने अपने यहाँ पर यानी जो आपके शोरूम का फ्रंट का भाग है, यदि स्टोन लगाना है तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर या वाइट कलर का स्टोन लगा सकते हैं, उसके स्टेप्स बना सकते हैं। आपने डोरमैट रखना है तो वो भी आपका ब्लैक कलर, ब्लू कलर या ग्रे कलर आ सकता है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर ब्लू कलर का डोरमैट रखेंगे तो वो हमेशा पैसे आने के साधन को बनाता है, तो आप अपने फ्रंट के नॉर्थ के भाग में डोरमैट ब्लू कलर का रखें। इसी के साथ आप अपने यहाँ फ्रंट के भाग में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वाटर जग रखते हैं या वाटर कूलर रखते हैं तो वो भी आपके लिए हमेशा फायदेमंद होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब पानी की एक्टिविटी हो जाती है, नॉर्थ के भाग में जब पानी की एक्टिविटी हो जाती है, यानी नॉर्थ का भाग नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, इस जोन में यदि पानी की एक्टिविटी कर लेते हैं तो वहाँ पर पैसे आने के साधन हमेशा प्लस हो जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपने पानी की एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर या नॉर्थ सेंटर में करनी है। आपके शोरूम की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपने अपनी जो मेन एंट्रेंस है वो कहाँ पर बनानी है, सेंटर में, नॉर्थ सेंटर में बनानी है, और आपके शोरूम की चौड़ाई कम है तो आपने अपने शोरूम की जो एंट्रेंस बनानी है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर बनानी है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है दो शॉप को एक करके बड़ा शोरूम बनाने का सेटअप, या जिस शॉप की चौड़ाई भी ज़्यादा है और गहराई भी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो मेन एंट्रेंस बनानी है वो सेंटर में यानी नॉर्थ के मध्य भाग में बनानी है। इसी के साथ में जो आपका फ्रंट में शटर लगेगा, उस शटर के ऊपर आपने जो कलर करना है वो स्काई ब्लू कलर का, आसमानी ब्लू कलर का करेंगे तो आपके यहाँ पैसे आने के साधन हमेशा बने रहेंगे। अब इसी के साथ आपका जो शोरूम है वो ग्राउंड फ्लोर भी बनाना है, आपने फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है और सेकंड फ्लोर भी बनाना है, तो उसमें आपने सीढ़ियाँ कहाँ पर बनानी है। सीढ़ी हमेशा ही आपके शोरूम के हिसाब से, क्योंकि जब आपका ज्वेलरी का शोरूम है तो उसमें जो सीढ़ी बनेगी वो शोरूम के अंदर के भाग से बनेगी और अंदर के भाग से ही ऊपर की कनेक्टिविटी होगी। वो सीढ़ियाँ आप साउथ ईस्ट के भाग में अग्नि कोने में क्लॉकवाइज बना सकते हैं, यानी यहाँ से पहला स्टेप बनेगा और ऊपर जाकर साउथ में एंट्री बनेगी। तो इस प्रकार आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में स्टेयर्स बना सकते हैं, लेकिन स्टेयर्स बनाते समय ध्यान रखना है ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आप स्टेयर्स लकड़ी की भी बना सकते हैं, आयरन की भी बना सकते हैं और RCC स्टेयर्स भी बना सकते हैं। वजन में हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा भारी स्टेयर्स आपने अग्निकोण में नहीं बनानी है। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पर स्टेयर्स बनाएं, क्योंकि ज्वेलरी शोरूम में तो बहुत सुंदर स्टेयर्स बनाई जाएगी, आप लोहे की भी स्टेयर्स बना सकते हैं और लोहे पर जब हम पेंट कर देते हैं तो उसकी तासीर भी बदल जाती है, तो इसलिए स्टेयर्स आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाएं। सबसे पहले एंट्रेंस आपकी नॉर्थ में, यानी कि यहाँ से आपके शोरूम के अंदर की एंट्रेंस बनती है, यहाँ पर आपकी स्टेयर्स से फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता बन जाता है। अब सबसे पहले आपने अपने ज्वेलरी के शोरूम में सेफ, तिजोरी,
कहाँ रखनी है, वो तिजोरी हमेशा ही साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य कोने में रखनी चाहिए। आप यहाँ पर सेफ भी रख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग रूम बनाना चाहे तो स्ट्रॉन्ग रूम भी बना सकते हैं। इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पर सेफ रखते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में या स्ट्रॉन्ग रूम बनाते हैं तो उसका फर्श का लेवल पूरे फर्श के लेवल से यानी पूरे शोरूम के फर्श के लेवल से 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच ऊँचा ज़रूर होना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा ही शोरूम के अंदर बैठने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी प्लस होता है और साथ में जो व्यक्ति सामान लेने आता है ये मान के चलिए उसे 50,000 का 1,00,000 का 2,00,000 का सामान लेके जाना है तो वो प्लस करके ज़्यादा सामान लेकर जाता है जब साउथ वेस्ट का भाग आपका मजबूत हो जाता है। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग रूम बनाते हैं स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए बहुत भारी उसके दरवाजे होते हैं और RCC की दीवार बनाई जाती है, उसको काफ़ी हैवी कर दिया जाता है और उसके अंदर भी सेफ भी लगा दी जाती है और वैसे भी सामान रख दिया जाता है और सेफ भी रखते हैं तो वो भी 500-700 किलो की 1,000 किलो की सेफ रखी जाती है तो वो आपकी साउथ वेस्ट में जब आ जाएगी तो वहाँ पर सेल हमेशा ही प्लस रहेगी। अब आपने अपने यहाँ पर डिस्प्ले कहाँ कहाँ बनानी है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो डिस्प्ले आपने वेस्ट वॉल पर यहाँ पर आपने अपनी डिस्प्ले बनानी है, ऊपर के भाग में आपकी अपनी ज्वेलरी की डिस्प्ले हो जाएगी और नीचे के भाग में आपकी अपनी स्टोरेज हो जाएगी। क्योंकि आपका ज्वेलरी का काम है तो बहुत सारी ऐसी पैकिंग मटेरियल होता है जो आपको अपने यहाँ पर रखना होता है, वो पैकिंग मटेरियल आप नीचे के भाग में रख सकते हैं और ऊपर के भाग में आप अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर साउथ की दीवार के साथ भी डिस्प्ले करना चाहे तो यहाँ पर भी आप अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने यहाँ पर ईस्ट वॉल पर भी डिस्प्ले बनाएं। ईस्ट वॉल पर जब आप अपनी डिस्प्ले बनाते हैं तो यहाँ पर नीचे के भाग में आपने स्टोरेज नहीं बनानी है, नीचे का भाग बिल्कुल हल्का रखना है। आपने अपने यहाँ पर लुकिंग मिरर कहाँ लगाने हैं, लुकिंग मिरर हमेशा ही आपके यहाँ ईस्ट वॉल पर आने चाहिए, ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पर आप अपने लुकिंग मिरर लगा सकते हैं। साउथ की वॉल पर लुकिंग मिरर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ही वेस्ट की वॉल पर भी लुकिंग मिरर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपका ज्वेलरी का काम है और आप चाहते हैं कि वेस्ट के भाग में लुकिंग मिरर लगाएं तो कोशिश करें कि ईस्ट के भाग में जो लुकिंग मिरर लगाते हैं उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए और जो वेस्ट के भाग में लुकिंग मिरर लगाते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। फ्रंट के भाग में क्योंकि आपके शोरूम का फ्रंट ज़्यादा है तो आप अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में भी डिस्प्ले विंडो बना सकते हैं। एक डिस्प्ले विंडो आपकी नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर बन जाएगी और दूसरी डिस्प्ले विंडो आपकी नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनेगी। आपने अपने काउंटर बनाने हैं वो आप यू शेप में काउंटर बना सकते हैं। एक काउंटर आपका साउथ के भाग में बनेगा, दूसरा काउंटर आपका वेस्ट के भाग में बनेगा और तीसरा काउंटर आपका ईस्ट के भाग में बनेगा। ओनर की सीटिंग साउथ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पर वेस्ट की दीवार के साथ होनी चाहिए या साउथ की दीवार के साथ ऑनर की सीटिंग होनी चाहिए। स्टाफ की सीटिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पर भी आपके स्टाफ की सीटिंग रहेगी, जैसा स्पेस आपके पास है उसके हिसाब से आपके यहाँ स्टाफ की सीटिंग बनेगी। ऐसे ही ईस्ट के भाग में भी स्टाफ की सीटिंग अपनी आ जाएगी। आपको अपने यहाँ पर अकाउंटेंट की सीटिंग देनी है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देनी है तो वो आपको कहाँ पर बनानी चाहिए, वो आप अपने यहाँ पर भी बना सकते हैं। यानी यहाँ पर बैठेंगे ईस्ट की ओर फेस करके अपना वर्क करेंगे, ईस्ट की दीवार पर आपका अपना लैपटॉप या कंप्यूटर आ जाएगा और यहीं पर आपका अपना प्रिंटर भी लग जाएगा। और ऐसे में दूसरी ऑप्शन में आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की ओर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका अपना अकाउंटेंट बैठेगा और यहाँ पर आपका अपना कंप्यूटर आ जाएगा। जो भी आपकी अपनी बिलिंग होगी वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट से भी और ईस्ट साउथ ईस्ट से भी कर सकते हैं। कस्टमर की सीटिंग आपने यहाँ पर बनानी है, आप यहाँ पर सोफे रखना चाहें तो सोफे भी रख सकते हैं और चेयर रखना चाहें तो आप अपने यहाँ पर चेयर भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपके अपने कस्टमर की बैठने की सीटिंग बनेगी। इसी में मैं अब आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो आपके यहाँ फर्श की जो ढलान है यानी फर्श का जो स्लोप है वो हमेशा ही साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर
आना चाहिए, यानी साउथ वेस्ट का भाग ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का भाग नीचा होना चाहिए। ऐसे ही साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान होनी चाहिए और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान होनी चाहिए, यानी फ्लोर स्लोप जो है आपका साउथ वेस्ट से, वेस्ट से और साउथ से कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श का स्लोप आना चाहिए। यदि आप अपनी दुकान के अंदर, अपने शोरूम के अंदर फर्श की ढलान सही कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके अंदर का वास्तु भले ही कितना खराब हो, फिर भी आप घाटे में, नुकसान में कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब फर्श की ढलान सही हो जाती है तो उसमें साउथ वेस्ट का भाग ऊंचा हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट का भाग नीचा हो जाता है। और जिस घर के अंदर, जिस जगह के अंदर, चाहे वो शोरूम है, चाहे आपका अपना घर है, चाहे आपका अपना फ्लैट है, चाहे आपकी अपनी फैक्ट्री है, यदि फर्श की ढलान सही हो जाती है तो वो व्यक्ति कभी भी नुकसान में नहीं जाता। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ पर रखना है? पीने का पानी एक तो वाटर कूलर लगाना है, बाहर लगाना है तो वो नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, और अंदर लगाना है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर ही आप अपना वाटर डिस्पेंसर लगा सकते हैं, वाटर जग लगा सकते हैं। और आपने अपने यहाँ पर मंदिर बनाना है तो वो मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर स्टेज तक, ईस्ट साउथ ईस्ट तक, जहाँ आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर आप अपना मंदिर बना सकते हैं। ध्यान रखना है, यदि आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के अंदर जो आसन बिछाया जाता है वो लाल रंग का नहीं होना चाहिए। लाल रंग का बल्ब भी मंदिर के अंदर नहीं लगाना है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि रेड कलर आ जाता है तो वो पैसे खाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके परेशानियों को बढ़ाता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी रेड कलर नहीं आना चाहिए। आपको अपने यहाँ पर वेइंग मशीन कहाँ रखनी है? क्योंकि आपके यू शेप में काउंटर है तो आप अपने यहाँ पर भी वेइंग मशीन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी वेइंग मशीन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, ऐसे ही इस काउंटर पर भी वेइंग मशीन लगा सकते हैं और इस काउंटर के ऊपर भी वेइंग मशीन लगा सकते हैं। जो आपके ये काउंटर बनेंगे, ऊपर के भाग में डिस्प्ले हो जाएगा और नीचे के भाग में आपकी अपनी स्टोरेज हो जाएगी। अब ज्वेलरी का शोरूम है तो लाइट तो हर वक्त चाहिए, उसके लिए इन्वर्टर कहाँ पर लगाना है? इन्वर्टर आप अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर की ओर, यहाँ पर इस जोन में आप अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं, स्टेबलाइजर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रिक मीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व का स्थान है और अग्नि तत्व जब सही हो जाता है, यहाँ पर गर्मी आ जाती है क्योंकि इन्वर्टर के अंदर भी गर्मी बनती है, स्टेबलाइजर लगाते हैं उसके अंदर भी गर्मी बनती है और इलेक्ट्रिक मीटर भी आपका अग्निकोण में ही आना चाहिए। ये सबसे अच्छी ऑप्शन मानी जाती है। जिस व्यक्ति के यहाँ इन्वर्टर नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है और उस व्यक्ति का काम अच्छा चल ही नहीं सकता, वो हमेशा ही अपने आप में डिस्टर्ब रहता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने यहाँ से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से इन्वर्टर को हटाकर आप अपने शोरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में या साउथ सेंटर में इन्वर्टर रखेंगे तो आपके काम बनते चले जाएंगे, आपके यहाँ सेल बढ़िया होती चली जाएगी, आपका माइंड क्लियर होता चला जाएगा कि आपको करना क्या है, आपके यहाँ सेल कैसे बढ़ेगी। तो आज मैंने आपको बताया ज्वेलरी शोरूम के बारे में कि नॉर्थ फेसिंग ज्वेलरी शोरूम का सेटअप कैसे करना चाहिए, सीटिंग और सेटिंग कैसे होनी चाहिए। आपका शोरूम बना हुआ है या आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार नहीं, कई बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी बातें बार बार सुनने में और समझने में आएंगी। और जैसे सेटअप मैंने आपको बताया वैसे सेटअप आप अपने यहाँ पर कर लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका शोरूम बहुत बढ़िया चलने लगेगा। आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर 580 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का लेआउट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार लेआउट भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।